तो स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक सवाल के साथ। सामान की खरीदारी हो गई आपकी, मिठाई खरीद ली आपने, कपड़े खरीद लिए, पटाखे खरीद ली, झालर खरीद ली, क्योंकि आज हम बाजारों पे चर्चा करने वाले हैं। नहीं खरीदे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दीपावली खुशियों वाली आ रही है, त्यौहार को लेकर बाजारों में रौनक है, माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग घरों की सजावट कर रहे हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक सामान है, धनतेरस को लेकर MP और छत्तीसगढ़ के बाजार गुलजार हैं। खुशियों का त्यौहार, रोशन हुआ बाजार। दिवाली का त्यौहार, बाजार गुलजार। बाजारों में धनतेरस की धूम। खुशियों का त्यौहार दिवाली नजदीक है, और जब त्यौहार हो तो खरीदारी का मजा दोगुना हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। ऐसा ही आजकल देश समेत MP और छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिल रहा है, जहां शहर शहर बाजारों में रौनक। गांव में महिलाओं के वेश में कलाकार सुअगीत गा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जमकर खरीदारी करने में जुटे हैं। त्योहार के चलते सोने चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाजार में रौनक है। दीपावली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, यही वजह है कि सुबह से लोग खरीदारी करने मार्केट पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं बिलासपुर के गोल बाजार सदर बाजार में मौजूद हूं, और ये बिलासपुर का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पर सभी हर तरह के जो सामान है वो लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बच्चों के कपड़ों की दुकान में मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर खरीदारी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइटिंग, जो घर को सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए जो लाइट की व्यवस्था लोग करते हैं, खरीदारी करते हैं, उसकी दुकान है। कपड़ों का बड़ा मार्केट है, सराफा का बड़ा मार्केट, ऑटो मोबाइल्स का बड़ा मार्केट है, और यही वजह है कि यहाँ पर सुबह से लोग खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। कैसा रहेगा बाजार? इस साल बाजार में 21-23% ज्यादा ग्राहक पहुँचने की उम्मीद है। व्यापारी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बम्पर व्यापार हो सकता है, तो वहीं ऑटो मोबाइल सेक्टर में बम्पर डिमांड है। मिट्टी के दिए की डिमांड सबसे ज्यादा है। देश में 4 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। सोने चांदी ज्वेलरी की जमकर खरीदारी की जा रही है, तो वहीं आकर्षक सामग्री झूमर और लटकन का क्रेज है। दिवाली के त्यौहार का एक साल इंतजार रहता है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली, और इस वक्त मैं इंदौर के राजवाड़ा में मौजूद हूँ, और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है। और ये राजवाड़ा के बाजार की हम खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत तस्वीर इसलिए क्योंकि फुटपाथ व्यापारी जो हैं, जो रेहड़ी व्यापारी हैं, उनके दुकानों के बाहर ये आप भीड़ देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वदेशी दिवाली बनाए, और देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आज रेहड़ी व्यापारी फुटपाथ व्यापारियों से खरीदारी में भी नंबर वन बनता नजर आ रहा है। फुटपाथ व्यापारियों से सामान खरीदने की मंत्री तुलसी सिलावट ने भी अपील की है। कहा स्वदेशी दिवाली मनाए, और फुटपाथ पर बेचने वाले छोटे छोटे दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान लाइए। दीपावली समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो दीपक बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, स्टिकर बनाते हैं, मेरी पूरे मध्य प्रदेश वासियों से, भाई और बहनों से अनुरोध है कि हमारी इस पवित्र दीपावली में हम उनसे छोटी छोटी चीज़ खरीद कर इस उत्साह उमंग के त्यौहार में उनको हम इतने आर्थिक मजबूत करेंगे। बाजारों की ये रौनक बता रही है कि खुशियों वाली दिवाली के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कोई कपड़े खरीद रहा है, तो कोई सजावट के सामान। हर कोई माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारियों में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ना सिर्फ जुड़ रहे हैं बल्कि हम उनसे बाजार के ट्रेंड्स जानेंगे, किस तरह से बाजार की स्थितियां हैं, क्या बेहतर नज़र आता है। इस बार शनि देव के चलते, शनि सुन के आपको लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन शनि देव के चलते ही बहुत बेहतरीन और फलदायी धनतेरस और दीपावली होने वाली है। तो सहयोगियों के पास आपको लिए चलते हैं। ग्वालियर से सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खंडवा से अमित जायसवाल आपको नजर आएंगे, न्यायधानी छत्तीसगढ़ के न्यायधानी उमेश मौर्य वहाँ से मोर्चा संभाले हुए हैं, और भोपाल से वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और वासु के पीछे बाजार देखकर ऐसा लगता है कि हमें भी बाजार जाना चाहिए। वासु, क्या ट्रेडिशन, क्या नज़र आ रहा है, मार्केट का मिजाज कैसा?
हाँ बिल्कुल ललित जी, भोपाल के बाजार में आपका स्वागत है और जरूर आपको यहाँ पर आना चाहिए। मिथिलेश की रिपोर्ट देख रहे थे, मिथिलेश बड़े गर्व से कह रहे थे कि हमारे इंदौर वाले तो स्वदेशी दिवाली मना रहे हैं। मोदी जी ने अपील की है, तमाम नेताओं ने अपील की, हमारा भोपाल भी पीछे नहीं है। हम भी आपको दिखा दें कि जो लोकल वेंडर्स हैं, जो छोटे विक्रेता हैं, उनकी दुकानों पर यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। कदम रखने की यहाँ पे जगह नहीं है और बमुश्किल हम लोग भी अपना काम जैसे तैसे कर पा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाना जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। और चलिए इन लोग से बात भी कर लेते हैं। अम्मा कैसी चल रही है दुकानदारी? बढ़िया, लोग आ रहे हैं, भीड़ है? हाँ अच्छी है, भीड़ है। खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है सर, बढ़िया खुश है, अच्छा धंधा पानी हो रहा है। हाँ। और दो दिन से अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, देसी दियों की डिमांड अच्छी है इस बार? अच्छी है सर, बढ़िया है। देखिए ये ललित जी, दो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपके देसी दिए हैं, सालों से आप इस तरीके के दियों को देखते हुए आ रहे हैं और इन्हीं से सही मायनों में दिवाली रोशन भी होती है। लेकिन गजब के जो आइटम्स हैं, डेकोरेटिव्स हैं, वो इस बार बाजार में आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमने देसी दिए दिखाए, अब हम लाइट वाले दिए आपको दिखाते हैं जो पानी से जल जाते हैं। इनमें एक ऐसा मैकेनिज्म है, आप देखिए इसमें पानी भरा हुआ है और जैसे ही ये पानी इन दो पॉइंट्स को टच होगा तो ये दिया आपको जलते हुए, जलता हुआ जो दिया है वो दिखाई देने लगेगा। पानी भर दीजिए और भूल जाइए, ये दिया आपका जलता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली ये दिया है जो सेल के मैकेनिज्म पे काम करता है। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो लोगों को रिझा रही हैं। सुंदर सुंदर जो लाइट्स हैं आपको वो यहाँ पे नजर आएंगी, फटाकों के, बंदूकों का बड़ा बच्चों में क्रेज होता है तो वो यहाँ पे दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से सज चुकी हैं और लोग जो है वो इन पूरे सामानों को बेच रहे हैं क्योंकि इन्हें भी दिवाली से काफी उम्मीदें होती हैं। भगवान के कपड़े हों, घर को सजाने का सामान हो, ये चारों तरफ बाजारों में जो है वो नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी करने भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तेजी से हम बात भी करेंगे, रिपोर्ट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, वासु का न्योता भी स्वीकार किया जाएगा। ग्वालियर लिए चलते हैं सुशील, मार्केट का मिजाज आपकी नजर में सुशील। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी अगर कहें तो बाजार पूरी तरह से गुलजार है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लगातार जो बाजार है उस बाजार की स्थिति आप देखिए, ये बाजार है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फुटपाथ के दुकानदारों को प्रमोट किया जाना चाहिए, तो लोग भी जो है इस महाराजबाड़ा के फुटपाथ पे सजने वाले बाजार में बड़ी तादाद में आ रहे हैं और ट्रेडिशनल चीज़ें खरीद रहे हैं। कुछ बहनें भी हैं, इनसे बात करेंगे। बहन जी, दीपावली का त्यौहार है, आप फुटपाथ पे क्या क्या खरीद रही है? फुटपाथ के भी अच्छे व्यापारी होते हैं और दुकानों पे ज़्यादा महंगी चीज़ें वो यहाँ पे कम रेट में मिल जाती है और इनको भी अपना त्यौहार बनाने के लिए थोड़ी सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। क्या क्या खरीदा है आपने? हमने कांच वगैरह, डेकोरेशन का सामान। आप ये बताइए बेटा, क्या सामान आपको पसंद आया इस बार दीपावली पे, यहाँ क्या क्या लिया है? मुझे गमले वगैरह पसंद आए। और तो बड़ी दुकान से क्यों नहीं लिए, यहाँ से लिए छोटी दुकान से? क्योंकि यहाँ पर सस्ते मिल जाते हैं और इन लोगों को भी तो दिवाली मनाने का मौका मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए इन लोगों को भी दिवाली मनाने का मौका मिलना चाहिए। आप देखिए ये देसी झाड़ू है और दीपावली पर इनका खास महत्व होता है और आप देखिए लगातार दूर दूर से दुकानदार आए हैं। आप देखिए ये दुकानदार बहन जो है छोटे बच्चे के साथ है। बहन किस तरह की क्या चल रही है दुकानदारी? 30 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए। दिवाली कैसी बन रही है? बढ़िया, अच्छी बन रही है। बच्चे को लेकर कोई? अब क्या करो, वो तो धंधा करना पड़ेगा दीदी। देखिए ये बच्चे के साथ और भी बहन जी, बहन जी किस तरह से इस बार आप दीपावली मना रहे हैं? खरीदारी करके। क्या खरीदारी कर रहे हैं? तो बड़ी दुकानों पर नहीं जा रहा है आप? नहीं, इन लोगों के लेना ज्यादा अच्छा है ना। अच्छा है, इनकी भी दिवाली मनेगी ना फिर किस तरह। बहन जी किस तरह से दीपावली मनाएंगी इस बार आप? इस बार मैं बाहर से अपने घर आई हूँ तो मैं अपने घर पर दिवाली मनाऊंगी। तो देखिए लगातार जो लोग हैं वो इस बात के लिए तैयार है कि कहीं ना कहीं छोटे दुकानदार है उनसे भी खरीदारी की जाए, सामान भी सस्ता मिलता है, अच्छा भी मिलता है, उससे इन लोगों का रोजगार भी होता है। ठीक ठीक ठीक, तो सोना चले जाए 80,000 के पार, हम तो पहुंचेंगे बाजार। बिलासपुर लिए चलते हैं उमेश, क्या अपडेट बाजार से? देखिए ललित जी, बिलासपुर में भी जो बाजार है वो पूरी तरीके से सज कर तैयार है, लोग सुबह से ही खरीदारी करने निकल रहे हैं। मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कुछ फैमिली आई हुई है, डेकोरेशन का जो सामान है वो खरीदी कर रही है। इसके अलावा आपने सोने की बात कही तो मैं सोने के मार्केट की बात कहूँ तो भले 80,000 के पार है लेकिन लोगों में जो खरीदारी का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। आप अभी देखिए कि कुछ जो बहनें हैं, महिलाएं हैं,
वो खरीदारी करके निकल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम आपने क्या खरीदा? आप बिछिया खरीदे हैं। कितना शुभ माना जाता है दीपावली के पर्व के दौरान? बहुत शुभ मानते हैं भैया, इसीलिए तो खरीदे हैं। और किस तरह की तैयारी की गई है दीपावली को लेकर? सब तैयारी से भैया, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, गहने खरीद रहे हैं, बर्तन वगैरह खरीद रहे हैं। खरीदारी पूरी हो गई? हाँ हो गई। कल धनतेरस का पर्व भी है, और भी खरीदारी? टाइम हम लोग बर्तन वगैरह खरीदने के लिए जाएंगे, अभी कुछ कुछ सोना चांदी खरीदने के लिए आए हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, और ये मार्केट जो है गोल बाजार सदर बाजार का मार्केट है, मुख्य बाजार है, क्योंकि बिलासपुर भर समेत जो गांव से जो लोग हैं वो खरीदारी करने पहुंचते हैं। कपड़े का बड़ा मार्केट है, ज्वेलरी के बड़े दुकान है। चलिए थोड़ा हाँ, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, वक्त थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, खंडवा हमें जाना होगा, और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित क्या कह रहा है बाजार? जी बिल्कुल ललित जी, इस वक्त मैं खंडवा के बॉम्बे बाजार और घंटाघर क्षेत्र में मौजूद हूँ, और बड़ी संख्या में लोग जो है खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरा बाजार सजा हुआ है, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहें, कितनी तैयारी दिवाली की, क्या क्या खरीद लिया? हम लोग अभी तक सजावट के सामान खरीदा है, और दिए माता जी ये सब वगैरह खरीद लिए हैं, और बहुत अच्छे से मार्केट लगा हुआ है। बिल्कुल खरीदारी करने आए बाजार में? बिल्कुल बाजार में खरीदारी करने आए। दिवाली हमारा एक बहुत बड़ा पर्व होता है, बड़े उत्साह से हम लोग मनाते हैं, और हम लोगों का सोच ये है कि लोकल लोकल नीचे जमीन पे फुटपाथ पे काम करने वालों से लेने से उनकी भी दिवाली अच्छी मनेगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे, कितनी तैयारी दिवाली की? दिवाली की तैयारियां अच्छी चल रही है, बाजार में भी सारी काफी कुछ सामान आया हुआ है, वहाँ से भी दिए वगैरह भी काफी संख्या में है, माता जी की मूर्तियां और बाकी सारे सामान भी बहुत अच्छा आया हुआ है, बाजार बहुत काफी अच्छा लगा। बिल्कुल अंतिम अंतिम कमेंट, क्या कुछ कहेंगे, दिवाली की तैयारी कितनी? नहीं बढ़िया है, घर के सजावट लोग ले जाते हैं, नए दिए लगाने की परंपरा है तो मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं लोग, और कल धनतेरस है, वैसे तो वो धन्वंतरी जयंती है, वो धन्वंतरी को कोई याद नहीं करता, धन से धन शब्द बना लिया है, तो एक्चुअली धन्वंतरी त्रयोदशी है, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ गतिविधियां कल होना चाहिए। बिल्कुल धनतेरस है, और धनतेरस को लेकर काफी कुछ तैयारियां हैं, और दिवाली की बेहद उत्साह। मैं बिल्कुल रोकना चाह रहा हूँ, वक्त थोड़ा थोड़ा ही मिल पाया। खंडवा में बॉम्बे बाजार, ऐसा अपना देश है यार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट।